करते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। सीएम योगी के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद ने ठोकी ताल, गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद। बड़ी खबर इस वक्त की, चंद्रशेखर आजाद सीएम योगी को देंगे टक्कर। सीएम योगी के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद ने ताल ठोकी है, गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद, इस बात का ऐलान कर दिया है। सीएम योगी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे चंद्रशेखर आजाद, सीएम योगी के खिलाफ ठोकी ताल, गोरखपुर सदर सीट से पर्चा दाखिल किया है। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया। संजीव, चंद्रशेखर आजाद जो हैं पहले उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे, कैसे इसको देखें? देखिए कायनात, उत्तर प्रदेश में इस समय सियासी दलों की संदेश देने की कोशिश है। जहां तक चंद्रशेखर रावण का सवाल है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ी मुखरता के साथ रहे हैं। अभी उनकी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से बात हुई थी, हालांकि सीटों के बंटवारों को लेकर बात नहीं बन सकी। लेकिन गोरखपुर सदर की बात करें तो वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2022 में विधानसभा के प्रत्याशी होंगे भारतीय जनता पार्टी से। और अब चंद्रशेखर रावण उत्तर प्रदेश में संदेश देने की कोशिश कि चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है भीम पार्टी, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है उत्तर प्रदेश में। और एक संदेश देने की कोशिश कि चंद्रशेखर रावण का कद उत्तर प्रदेश में किसी से कम नहीं है। बिल्कुल, जैसा ये कहा जाए और देखा जाए कि एक सुरक्षित सीट जो है वो योगी आदित्यनाथ को दी गई है, गोरखपुर सदर सीट। गोरखपुर से ही सांसद भी यहाँ पर रह चुके हैं योगी आदित्यनाथ 5 बार के। ऐसे में जीत मिल पाना किसी और को ये थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है, नामुमकिन दिखाई देता है। लेकिन इसी सीट से चंद्रशेखर आजाद जो है उम्मीदवारी उन्होंने यहाँ पर ठोक दी है, तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि ये जानते बूझते कि जीत हासिल कर पाना उनके लिए संभव नहीं, बावजूद इसके आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया? किसी और जगह से भी वो अपना नामांकन दाखिल कर सकते थे। बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने पहले कहा, उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद की एक संदेश देने की कोशिश है। और समाजवादी पार्टी यदि अपना कैंडिडेट गोरखपुर सदर से विड्रॉ कर लेती है तब भी मुकाबला गोरखपुर सदर से देखने को मुश्किल मिल सकता है। हालांकि जिस तरीके का प्रभाव मटका गोरखपुर शहर वाली सीट पर माना जाता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी हिंदू दल सेना का प्रत्याशी जिता चुके हैं, तो ये आप समझ सकते हैं इस बात से कि मटका गोरखनाथ का कितना असर है। एक बार भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रत्याशी चुनाव मुख्यमंत्री, तो जब खुद वहां से प्रत्याशी होंगे तो क्या स्थिति होगी, ये सब बताया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय।